रणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, काफ़ी लोग जो दवा खा खा के थक गए हैं, ठीक नहीं होते हैं, और दवा के साथ में आजकल के जंक फूड जो नए नए ऐसे आहार आ रहे हैं जिसको नहीं खाना है वो खाते हैं, और खाने में वो इस प्रकार से उनका मुख हो जाता है जो कोई यंत्र चालित है। इच्छाएं अनंत है, एक के बाद एक हर जगह स्टॉल पे देखेंगे, रोड पे चलते हुए नजर आएंगे। तो अल्पाहार के बहुत सारे साधन हैं, पूर्ण आहार के बहुत सारे साधन मिल गए हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति में ये एक लालसा रह जाती है कि वो भूखा नहीं रह सकता है, और इस प्रकार के व्यंजन होने से व्यक्ति ठीक नहीं होता है। ये आपने देखा होगा कि कुछ लोग दवाई करवा करवा के थक चुके होते हैं, अपना धन चला जाता है, फिर ठीक नहीं होते हैं, अपना धर्म भी जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, इस प्रकार की व्याधि और बीमारी है कि ठीक नहीं होती, जिसके कारण मूल ये बातें हैं ध्यान में नहीं होती है कि कपित वायु, ये तीन प्रकार का स्टूल है और इसके नियंत्रण होना जरूरी है, और ये विकार कप बढ़ना, पित्त बढ़ना, वायु बढ़नी, मेद बढ़नी, यानी वसा का संग्रह होना, मल मूत्र का भी संग्रह होता है, अनियमितता होती है, पसीने का भी इसी प्रकार से प्रभाव होता है, तो व्यक्ति उसमें शोधन की जो आवश्यकता होती है वो नहीं कर पाता है। और शोधन के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर भी लिखा हुआ है, जिसमें एकादशी का बहुत ही महत्व दिया गया है। एकादशी में उपवास, और वो धर्मशास्त्रों के साथ में इसलिए जोड़ा गया है कि व्यक्ति उसमें मानसिक शांति अनुभव महसूस करे। इसमें आयुर्वेदिक के अंदर उपवास यानी के लिए लंघन का भी प्रावधान है, उसमें लघु और सुपाच्य भोजन का भी वर्णन किया गया है, और धार्मिक ग्रंथों में भी इसका सुपाच्य भोजन और लघु भोजन के बारे में बताया गया है। आजकल देखेंगे कि लोग पैसों के बल पे ठीक होना चाहते हैं पर ठीक नहीं होते हैं, जिसमें काफ़ी गुप्त रोगी भी ऐसे हैं, दवा खा खा के पेट खराब कर चुके होते हैं। हम एक बूट पॉलिश करके उसको चमकाते हैं, कपड़ों को धोकर प्रेस से चमकाते हैं, अर्थात चमक दिखाते हैं, पर हमारे भीतर जो मैल जमा हुआ है उसको निकालने के लिए हम कोई काम नहीं करते। आप देख लीजिए, किसी रोड के ऊपर आप देखेंगे तो दोनों तरफ काफ़ी लोगों के जो कब्जे होते हैं, धीरे धीरे रोड संकरा हो जाता है, और उस रोड को संकरापन को हटाने के लिए अगर बलपूर्वक काम लेंगे तो नाराजगी झेलनी पड़ती है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए हम अगर बलपूर्वक अगर कोई काम लेंगे, निश्चित है हमारे शरीर को नाराजगियाँ झेलनी पड़ेगी। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ, आज वैसे निर्जला एकादशी है, इसमें हिंदू संस्कृति को एक आप धार्मिक रूप न दें कि कोई धर्म का प्रचार है, पर शरीर के लिए शोधन विधि का एक बहुत ही अच्छा अवसर है। इसमें काफ़ी लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, और उस दौरान उनके भोजन हल्के होते हैं, जिससे शरीर में एक प्रकार का जो विकार है मस्तिष्क के रूप में हो या शारीरिक रूप में हो वो दूर होता है। धीरज होने से व्यक्ति में एक शांति महसूस करता है, और उस दो घर पे रहना, मंदिर में जाना, शांति का भाग्य में लिखा होना महसूस करता है, जिसमें अंदर से प्रेम पूर्वक जो जमे हुए मैल है हमारे हाथों के अंदर, हमारी जो कपित वायु या जो चर्बी वगैरह है, आप मान लेंगे वसा वगैरह, तो उनको हटाने में सरलता से काम लिया जाता है, बलपूर्वक नहीं लिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को, बूढ़े को, बीमार को अगर आप दस्त की दवा देंगे कब्ज के लिए, तो निश्चित है उसके दुष्परिणाम भी सामने नजर आएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उपवास किया जाए। काफ़ी गुप्त रोगी हैं, उन्हें कब्ज की शिकायत होती है, तो दिक्कत उन्हें भी होती है, पेट खराब हो चुका है, और आज देखेंगे तो टीवी के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे चूर्ण उपलब्ध हैं, पेपर में आप विज्ञापन देखेंगे तो आपके पेट साफ करने के लिए जो चूर्ण दिए होते हैं, जो उन कंपनियों के
आप एक रेगुलर नियमित एक ग्राहक बन जाते हैं, उनको कमाई देते हैं, जो गलत है। उसकी जगह पे आप कोशिश कीजिए महीने में दो बार 2 11 7 है, अर्थात आप पेट को आराम देंगे, रसाहार लेंगे, हो सकता है शोधन होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं 11 न करके, जैसे 4 सोमवार आते हैं, 4 सोमवार मान लें, शनि मान लो, मंगलवार मान लो, शुक्रवार मान लो, आपकी सुविधा के अनुसार, आपके धर्म के अनुसार सप्ते में 4 दिन तो आपको व्रत करना ही चाहिए। उपवास कर सको तो बढ़िया, उपवास न कर सकते तो व्रत रखिए और अल्पाहार लीजिए और कोशिश कीजिए शुपाश्य होना चाहिए, जिससे आपको शरीर के अंदर जो अंदर फैट्स वगैरह अतिरिक्त हैं, अतिरिक्त नमक वगैरह जो जमे हुए हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको निकलने में सहायता मिले। और जो एनर्जी ऊर्जा आज आधुनिक रूप में आप मानते हैं, जो आपके अंदर संचयी हैं, जो ज़्यादा पड़ी हुई है, उसको बर्न करने के लिए, उनको जलन, उनको मिटने के लिए, उनको खपत होने के लिए अवसर दीजिए। जब आप भूखे रहेंगे तो निश्चित है कि आपके अंदर जो एनर्जी डिपॉजिट है वो काम होगी, वो खर्च होगी, और वो खर्च होगी तो आपके शरीर में संतुलन आएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर उपवास का बहुत ही महत्व है। जो भक्ति संपन्न होती है, स्मृतिमान भी होती है, कृतज्ञ होती है, विद्वान, पवित्र, उत्साही, दक्ष, धैर्यवान, गंभीर बुद्धिता प्रकट होती है और जगत के कल्याण की एक भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार से उपवास का महत्व बहुत है। आप देखेंगे, अभी मैंने 2 दिन पहले किसी शोध के बारे में बताया था कि जोड़ों के दर्द है या गठिया बाई है, उनका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ दर्द निवारक दवाई दी जाती है। गठिया का इलाज या दर्द की स्थिति आप में आती है तो ऐसे स्थान पे आपको जो बादी के रूप में माना जाता है, घुटनों में आना, हाथ में आना, तो यही है कि आपके शरीर में अशुद्धियां बहुत है। उन अशुद्धियों को अगर आप निकालेंगे तो आपको ठीक होगा 100%। कई बार दमा या दम चढ़ता है जिसमें कफ की वृद्धि होती है और कफ की वृद्धि होने से वो कफ निवारक दवाएं लेते हैं, पर कफ उत्पन्न क्यों होता है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, पर उस पर ध्यान नहीं देते हैं लोग, पैसों के बल पे ठीक होना चाहते हैं, जो गलत है। तो आइए आप भी एक संकल्प लें, कोशिश कीजिए कि महीने के अंदर 2 4 जितना बैठ सके आप व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, आपके सामर्थ्य के अनुसार। हो सकता है आपको भूख लगेगी, भूख को मारना पड़ेगा, पर आपके शरीर के अंदर शोधन होने का पहला स्थान प्रारंभ हो जाएगा, मनोबल आपका मजबूत होगा, धैर्यता आएगी, धीरज आएगी। आजकल किसी के पास धैर्य नहीं है, शौर्य चाहते हैं पर प्रकट होता नहीं है, तो धैर्य होगा तो शौर्य भी आएगा। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि जो आप शारीरिक और मानसिक तौर पे बीपी की दवाएं खाते हैं उसमें भी आपको मदद मिलेगी। आप व्रत करके तो देखिए तो सही। संसार में मनोवैज्ञानिकों ने एक शोध की है कि सबसे ज्यादा जो सुखी है वो भक्ति करने वाला। और आप गरीब को भी देखेंगे तो अनाप शनाप उनको खाने को नहीं मिलता है और पैसे खर्च करने के लिए उन्हें नकारात्मक मनोविज्ञान उनके पास में नहीं होता है, तो वो लोग भी इतने बीमार नहीं होते हैं जितने पैसे वाले बीमार होते हैं, क्योंकि ये उन्हें एक ईगो हो जाता है कि मेरे पास पैसा है, मैं ठीक हो जाऊंगा, और पैसा है ये भी खाऊं वो भी खाऊं, शरीर को गटर बना रखा है। तो कोशिश करें कि आप आज से संकल्प लें, महीने में 2 दिन व्रत या उपवास रखें, 4 दिन रख सकते हैं तो बढ़िया है, जिससे शरीर के अंदर वो मैंने बताया आपको पहले कि जो अतिक्रमण कर रखे हैं गली के अंदर लोगों ने, उन लोगों को जबरदस्ती अगर खाली करवाएंगे तो हो सकता है कि खाली करवाने वाले को थोड़ी सी पीड़ा झेलनी पड़ती है और उन्हें समझा के वहां से हटवाया जा सके तो बढ़िया रहता है। तो बलपूर्वक आपके शरीर के ऊपर आप कोई ना लगाएं, थोड़ी सी राहत दीजिए, थोड़ी आप दक्या नुनी जो मानते हैं, या आप ऐसा कोई ना माने कि ये पुरानी परंपरा है या गलत है, पर प्राकृतिक की ओर लौट आइए, धर्म को ना देखें पर उसमें मानसिक शांति और स्वास्थ्य देखें, तो हो सकता है आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे, टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।